नमः शिवाय। धनतेरस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और चिर अस्थायी निवास करें। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सोमवार त्रयोदशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा हस्तिनी नक्षत्र में रात्रि 8:36 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हस्तिनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, आकर्षक, उदार, प्रसिद्धि पाने वाले, धर्म कर्म में लीन रहने वाले, दूसरों का उपकार करने वाले, कुशल कार्यकर्ता, सफल व्यापारी और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। आज भी चंद्रमा पर शनि की दशम दृष्टि और केतु की नवम दृष्टि कायम रहेगी, जिससे अनावश्यक भागदौड़, व्यर्थ की यात्राएं, परिवर्तनशील विचारधारा और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। हालांकि रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलेगा और आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और निर्णय लेने में सूझबूझ से पहल करते हुए हर कार्य संपादित करें। आज हम यह चर्चा करेंगे कि प्रत्येक जातकों को आज के दिन विशेष तौर पर क्या खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि आज के दिन चांदी खरीदना सबके लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है, मगर इसके साथ ही साथ और क्या क्या खरीद सकते हैं, इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातकों को चांदी की वस्तुओं के साथ ही विशेष तौर पर मिट्टी के दीपक उसी निर्धारित समय काल के दौरान खरीदने चाहिए। तांबे का लोटा खरीद कर उसे पूजा के इस्तेमाल में लाएं, सूर्य देव को अर्घ दें, इससे वर्ष पर्यंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। मिट्टी के गमले और मिट्टी के खिलौने बच्चों के लिए विशेष शुभ फलदायक होंगे। आज के दिन गुड़ का खीर बनाकर खाना चाहिए या शहद का सेवन करना चाहिए, आयुष्य और आरोग्यता में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों को चांदी के वस्तुओं के अतिरिक्त यदि संभव हो तो हीरे के आभूषण खरीदने चाहिए। आधुनिक फैशन के कपड़े, इत्र, सेंट या रेडीमेड कपड़े इत्यादि सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी ले सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। आज के दिन वृष राशि वाले जातकों को दूध, चावल और मिश्री से मिश्रित खीर खानी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चांदी के अतिरिक्त कांसे का बर्तन, पूजा की सामग्री, साथ ही सौंदर्य और श्रृंगार के सामानों में हरी चूड़ियाँ, साड़ी, रत्नों में पन्ना इत्यादि के आभूषण खरीदने चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चांदी के सामान के साथ ही साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाली चांदी की वस्तुएं, गिलास, कटोरी इत्यादि पूजा में इस्तेमाल के लिए अथवा स्वयं के इस्तेमाल के लिए लेना चाहिए, साथ ही मोती खरीदनी चाहिए। दूध से बनी खीर आज के दिन विशेष फायदेमंद होगी कर्क राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए चांदी के साथ ही सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन, माणिक इत्यादि की खरीदारी शुभ फलदायक होगी। अपने खाने में गुड़ का इस्तेमाल करें, लाभदायक रहेगा, या गुड़ से बनी खाद्य सामग्री का सेवन करें, आयुष्य में वृद्धि होगी। कन्या राशि के जातकों को चांदी के साथ ही साथ कांसे के बर्तन, आधुनिक उपकरण जैसे मोबाइल इत्यादि, पन्ना से जड़ित आभूषण खरीद सकते हैं। हरी चूड़ियाँ खरीदें या वस्त्र खरीदें, यह भी लाभदायक रहेगा। तुला राशि के जातकों को चांदी के साथ ही साथ कीमती आभूषण, हीरा, जड़ित आभूषण, सेंट, आकर्षक परिधान, वाद्य यंत्र इत्यादि बच्चों को खरीद कर देने चाहिए। मोबाइल गैजेट इत्यादि भी ले सकते हैं। आज के दिन खीर खाना अत्यंत शुभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चांदी के साथ साथ तांबे की वस्तुएं, सोने की वस्तु के आभूषण इत्यादि, मिट्टी के गुल्लक भी खरीदने चाहिए या मिट्टी के खिलौने इत्यादि लेने चाहिए। शहद या मिल्क केक इत्यादि का सेवन करना चाहिए, इससे आरोग्यता में वृद्धि होगी। सौंफ का सेवन भी लाभदायक रहेगा। धनु राशि के जातकों को चांदी की वस्तुओं के अतिरिक्त पीतल के सामान, गृहोपयोगी वस्तुएँ, सोने के जेवर इत्यादि खरीदने चाहिए। यदि संभव हो तो पुखराज या टोपाज आज के दिन खरीद कर माता महालक्ष्मी को अर्पित करें और धारण करें। खीर में केसर डालकर सेवन करें। पके हुए केले को भी खीर में मिलाकर खाने से आरोग्यता में वृद्धि होती है। मकर राशि के जातकों को मशीनरी इत्यादि खरीदनी चाहिए।
छोटी हो या बड़ी उपयोगी होगी। पंच धातु के सामान, चमड़े का सामान, जूता या बेल्ट या पर्स इत्यादि खरीदने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को भी पंच धातु के सामान के साथ ही साथ घड़ा, चांदी के जेवर या चांदी की वस्तुएं, गाड़ी, मशीनरी इत्यादि खरीदना शुभ होता है, या चमड़े से बने सामान जैसे जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि भी खरीदना शुभ होगा। मीन राशि के जातकों को आज के दिन पीतल की वस्तुएं, चांदी के आभूषण, सोने के आभूषण खरीदने चाहिए। पीला कपड़ा खरीदना और केला या हल्दी खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र को विकसित करने वाला होगा। क्रियाशीलता और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे और कार्य क्षेत्र के निरंतर विकास की मानसिकता बनी रहेगी। धन लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर मानसिक स्तर पर कभी कभार निर्णय लेने की क्षमता, उत्साह और रचनात्मक सक्रियता में उतार चढ़ाव के साथ ही साथ मन में शंकालु प्रवृत्ति और धन हानि की आशंका भी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक लेने चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक रूप से उग्रता बनी रहेगी। निर्णय लेने में आक्रोश और जल्दबाजी संभावित है। आपके राशि स्वामी छठवें घर में बैठे हैं। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और आत्मविश्वास में कमी का संकेत भी मिलता है। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर पहले की चली आ रही योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। आपका कार्य सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के लिए आज का समय उपयुक्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शैक्षणिक कार्यों में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में प्रतिकूल माहौल प्रस्तुत कर सकता है। मानसिक उत्तेजना, उचित निर्णय लेने में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं, मगर आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी। संतान संबंधी मामलों में और आवश्यक संसाधनों के उद्देश्य से निवेश की स्थिति संभावित है, मगर आज का दिन कार्य ऊर्जा में ह्रास, आत्मविश्वास की कमी और भ्रमात्मक स्थिति के उतार चढ़ाव में सुधार के प्रति भी केंद्रित रहेगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। शारीरिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनी रहेगी। इच्छा शक्ति आपके हर कामों को सरल और सुविधाजनक रूप से संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। घर गृहस्थी संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। चंद्रमा के पराक्रम भाव में होने से कुछ मामलों में भ्रम, वैचारिक मतभेद, सही निर्णय लेने में गड़बड़ी और दोषारोपण की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का समय आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोगी और सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में शुभ फलदायी होगा। महत्वपूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और कार्य क्षेत्र में विकास की मानसिकता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलते रहेंगे। आर्थिक लाभ के साथ खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सफलता संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए धन संबंधी अपेक्षाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ का योग बनता है। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव शामिल होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सहोदरों से वैचारिक मतभेद, धन हानि, दोषारोपण, मानसिक अस्थिरता का अंदेशा बनता है, मगर संतान संबंधी सहयोग जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
तुला राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने में सावधानी के साथ नेतृत्व करने की प्रवृत्ति, संबंधित मामलों में वाद विवाद और अतिरिक्त कार्यभार का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास की मानसिकता और नई कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। प्रस्तावों को लागू करना और उनका प्रबंधन सुचारू ढंग से होता रहेगा, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा और बड़ों का सहयोग कामों को सरल बनाएंगे और साझेदारी सफल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, मगर कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर कुछ मामलों में आज का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा। अनचाही यात्रा की संभावना भी बनी रहेगी और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और परिश्रम के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। नई योजनाओं के लाभकारी प्रस्ताव सामने आएंगे, यथासंभव आप उनको लागू करते जाएंगे। आय संबंधी मामलों में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, मगर कुछ मामलों में विचारों में अचानक परिवर्तन का दौर संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और सुचारू ढंग से चलाते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। किसी समारोह में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में सफलता संभावित है, मगर कुछ मामलों में आज का समय कार्य क्षेत्र में अचानक उपलब्धि या सफलता का संकेत देता है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और आपका आत्मविश्वास आने वाली समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है। वाद विवाद से परहेज करें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर कुछ मामलों में आज का समय भ्रमात्मक स्थिति को जन्म देगा। उत्साह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। विरोधियों से साजिश की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। विवादित मामलों से दूर रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक अस्थिरता, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में रुकावट का संकेत मिलता है। कार्य ऊर्जा में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। हालांकि आय संबंधी मामले और निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए परिस्थितियों पर ध्यान दें। संतान संबंधी मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। अधिक आर्थिक जोखिम वाले कामों से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।